हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ डकार आना, जिसको कि इरेक्टेशंस के नाम से भी जानते हैं। आपके गले में कहे तो इरेक्टेशंस होने लगे, यानी कि जलन होने लगे, उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा डकार आती है, आप डकार डकार के परेशान है, जिसको कि ग्रामीण भाषा में साथियों कहे तो बाई लोग बोलते हैं कि बाई हो गया है, यानी कि डकार इतना ज्यादा आती है, डकारे मारते मारते परेशान हो जाती हैं लेडीज, और जेंट्स में भी कभी कभी होता है डकार आना। डकार आना जिसको कि इरेक्टेशंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इरेक्टेशंस कहा जाता है। पेट में बनी गैस जब मुंह से बाहर आती है तो वह डकार कहलाती है। पेट में अधिक अम्लता यानी एसिडिटी जो हो जाती है, इसके बनने से गैस होने लगती है, जिसके कारण मुंह में हल्का सा खट्टा या तीखा पानी आने लगता है और आपको डकार आती रहती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज रोगी के पेट में गैस बनती है और गैस के कारण से पेट फूला रहता है, पेट में जलन होती है, लगातार डकारें आती हैं, अपच भी हो जाता है। डकारें आने के साथ ही अमाशय रस मुख में आ जाता है, अपच के कारण से पेट में जलन भी होती है। रोगी मक्खन घी तथा दूध पसंद नहीं करता है, मीठा तथा नमक पसंद करता है, वह काफी भी पसंद करता है। जब उसको डकारें आती हैं तो उसे आराम मिलता है और सरदर्द, गठिया आदि का दर्द भी कम हो जाता है। उसको हर समय डकारें आती हैं, जब देखें डकारें आती ही रहती हैं और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। रोगी अपने पेट के अंदर जलन महसूस करता है, परंतु बाहरी त्वचा पर ठंडा महसूस करता है। इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है तो उसके इस रोग को ठीक करने के लिए कार्बोवेज औषधि की 6 पावर में या 30 पावर में या 200 पावर शक्ति की आप मेडिसिन लेके आएं और यूज करें, बहुत बेहतर रिस्पांस आपको मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है कार्बो एनेमिलीज। यदि किसी रोगी के पेट का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद जब पेट में हवा भर जाती है, तब कार्बो एनेमिलीस औषधि की 200 शक्ति की एक मात्रा का सेवन करने से अधिक लाभ होता है। यदि हवा पेट में की नली में फंसे तो कार्बो एनेमिलीस औषधि का उपयोग करना चाहिए। ऐसे रोगी जो ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं, वो कार्बोवेज औषधि के प्रयोग करने के बाद कार्बो एनेमिलीस औषधि की 30 शक्ति का उपयोग करना भी उनके लिए बहुत अच्छा लाभदायक साबित होता है। इसके बाद तीसरी मेडिसिन आती है चाइना। चाइना जिसको कि सिनकोना अफिसिनेलिस के नाम से भी जानते हैं। रोगी के पेट में सिर्फ ऊपर के भाग में ही नहीं, बल्कि पूरे पेट में हवा भर जाती है, डकारें आती रहती है, पेट से कड़वा पानी ऊपर उठकर आता रहता है। यदि इस समय रोगी को डकारें भी आ जाए तो आराम नहीं मिलता है, हिचकियाँ भी आती हैं। किसी भी प्रकार के फलों का सेवन करने पर वह पचता नहीं है, बल्कि रोगी के लक्षणों में वृद्धि होने लगती है। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए चाइना औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग बहुत ही अति उत्तम होता है। चौथी मेडिसिन है इपिकाक। इपिकाक जी मिचलाने के साथ ही डकारे आना और मुंह से लार निकलना, लार जैसे टपकती रहती हैं बाहर, बच्चों को भी बड़े लोगों में भी अगर लार ज़्यादा बन रही है तो इसको उपयोग करिए। उल्टी भी आ जाती है तो इस मेडिसिन को लेना चाहिए। उल्टी के साथ ही जीभ बिल्कुल साफ रहती है। उल्टी आने के बाद रोगी को कुछ आराम मिलता है तथा उल्टी आने पर जीभ साफ रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित होने पर रोगी को ठीक करने के लिए इपिकाक औषधि की 30 पावर में या 200 शक्ति का उपयोग करने से बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलता है। पांचवी मेडिसिन आती है गैस के लिए फास्फोरस। रोगी को हल्की डकारें आती है, डकार आने के साथ ही कभी कभी खाए हुए भोजन जो उछल कर आ जाता है, जैसे कभी आता है ना, जैसे खाना खाए हैं तो लगता है कुछ उछल के मुंह में आ जा रहा है, पेट में जलन होती है, तेज प्यास लगती है, लेकिन रोगी ठंडा बर्फीला पानी पीना चाहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी पानी को देखना पसंद नहीं करता, पानी को देखते ही उसका जी मिचलाने लगता है, स्नान करते हुए पानी को देख लेने पर वह आंखें बंद कर लेता है, उसके पेट में पानी गर्म हो जाता है, तब उल्टी आ जाती है। रोगी अपने पेट पर ठंडी चीज को रखना चाहता है, पेट दर्द भी आइसक्रीम खाने या ठंडा पेय लेने से ठीक हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण रोगी में उसके रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस औषधि की 30 पावर या 30 पावर शक्ति का
उपयोग करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन उसको रिस्पांस देखने को मिलता है। साथियों इसके साथ साथ एक मेडिसिन है कालरासाल, कालरासाल ड्राप आता है, ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देता है अगर आपको गैस बन रही है। इस ड्राप को आपको 10 बूंद सुबह में और 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को तीनों टाइम लेना होगा, लेकिन इसमें जो मैंने आपको पहले मेडिसिन 5 बताई है उसमें सिम्टोमेटिकली देखकर आपसे जो सिम्टम मैच कर रहा हो उसको आप यूज करेंगे, बहुत बेहतर आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आप अपने लिए मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथ।